सो गाइस अगर आप ये लोग आईफोन 13 को बाय करना चाहते हो और गाइस आप लोग सोच रहे हो कि एक अच्छा प्राइस ड्रॉप और आए तब आप ये लोग आईफोन 13 को बाय करें, तो गाइस आप ये लोग को जनवरी से पहले और ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाला है आईफोन 13 पे। इनफैक्ट आप ये लोग को जब बिग दिवाली सेल खत्म होगा तब आप ये लोग को आईफोन 13 का प्राइस अबव 60,000 से ज्यादा, मतलब 65,000 64,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। तो गाइस क्या आप लोग को अभी बाय करना चाहिए? तो गाइस डेफिनेटली अगर गाइस आप लोग को आईफोन 13 बाय करना है तो गाइस आप लोग को बाय कर लेना चाहिए इसी दिवाली सेल में, क्यों गाइस आप लोग को अभी जो करंट प्राइसिंग चल रही है 59,990 रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग को 60,000 देखने को मिला आईफोन 13 का प्राइसिंग गाइस। और वहीं गाइस अगर आप लोग पास SBI का बैंक कार्ड है तो आप लोग को इसकी प्राइसिंग पड़ने वाली है 57,990 रुपीस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। मैंने SBI का कार्ड अप्लाई करके देखा है तो इसमें आप लोग को ऑलमोस्ट आप लोग को 2200 तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो मेरा कार्ड डिस्काउंट लेके ये प्राइसिंग देखने को मिल रहा है 57,990 रुपीस। तो गाइस अगर आप लोग पास SBI का कार्ड डिस्काउंट है और आप लोग बाय करना चाहते हो आईफोन 13 को तो गाइस आप लोग को अभी बाय करना चाहिए, क्यों गाइस आप लोग को जनवरी से पहले मुझे नहीं लगता कि गाइस आप लोग को किसी भी आईफोन में अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब आप लोग को दिवाली सेल के बाद आईफोन 13 के प्राइस 60,000 से ज्यादा, मतलब 65,000 तक देखने को मिलेगा आप लोग को आईफोन 13 का प्राइसिंग। उससे ज्यादा कम आप लोग उम्मीद मत करना कि आप लोग को आईफोन 13 का प्राइसिंग जल्दी देखने को मिल सकता है गाइस। तो गाइस अगर आप लोग बाय करना तो अभी बाय कर लो, वरना गाइस आप लोग बाद में पछताने वाले हो क्यों नहीं उस टाइम पे आईफोन 13 को बाय कर लिया, क्यों गाइस आप लोग को 57,990 रुपीस भी प्राइसिंग मेरे हिसाब से ये सही है अभी के हिसाब से गाइस, क्यों गाइस आप लोग को बिग बिलियन डे सेल भी निकल गया, अब दिवाली सेल भी निकल जाएगा। तो गाइस आप लोग को आईफोन 13 कभी भी अंडर 60,000 नहीं मिलने वाला है जब तक गाइस आप लोग को आईफोन 14 में प्राइस ड्रॉप ना देखने को मिले, उससे पहले तो आप लोग को आईफोन 13 पे कोई प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाला है। सो गाइस ये था मेरा ओपिनियन आईफोन 13 के रिगार्डिंग कि आप लोग को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग को क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर गाइस आप लोग यहां तक वीडियो देखो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।